नमस्कार मित्रों, अभिवादन आप सभी को। और मैं इस वक्त आपको शाम की चाय जरा स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको कुछ खबरें लेकर आया हूँ जो पाकिस्तान से हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रमों में आपको बताया था, सरकार का गठन हो चुका है। गठन होने के साथ ही जैसी उम्मीद थी, IMF को अब सरकार की तरफ से लेटर लिखा चुका जा चुका है लेटर लिखा जा चुका है इनविटेशन का, जिसमें IMF की टीम को इनवाइट किया गया है कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर अपनी 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 वेल उसको इवेल्यूएट करें, उनके प्रोग्राम को जो चल रहा है प्रोग्राम। और उसके साथ ही मित्रों, मैं अब आपको बताइए, नाराज ना हो, मैं आपको ये मैं थोड़ा सा कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। मामला ये है कि जो IMF को लेटर लिखा गया है उसके मुताबिक टीम को आने के लिए कह दिया गया है। और टीम आने के मायने ये कि जैसे ही ये हफ्ता पूरा होगा, मेरे ख्याल से इस हफ्ते के आखिर तक, नहीं तो अगले हफ्ते की शुरू में IMF की टीम पाकिस्तान आ जाएगी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस्लामाबाद में। मैं इस्लामाबाद क्यों कह रहा हूँ और कि मुझे ऐसी अपेक्षा है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, नोइंग कि जो सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं इस वक्त और जैसी पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें शायद और कोई रास्ता हो नहीं, क्योंकि दुबई वगैरह जाने का भी कोई तुक नहीं है और वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को देखना चाहेंगे। जो जो टीम है IMF की, वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो देखना चाहेगी। तो टीम जो आ रही है वो पहुँचेगी इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते के शुरू में। एग्जैक्ट टाइम अगले 24 से 48 घंटे में IMF मैं समझता हूँ कि बता देगा, 24 से 48 घंटे में ये कंफर्मेशन आ जाएगा IMF की तरफ से कि दरअसल वो कब पहुंच रहे हैं पाकिस्तान और कितने दिन तक रुकेंगे। मुझे ये लगता है कि लगभग 1 से 1.5 हफ्ता वो यहाँ रुकेंगे इस्लामाबाद में, और इसके दौरान वो जो भी इनका प्रोग्राम है आने वाला, और ये इस पर बातचीत होगी, फाइनलाइजेशन किया जाएगा। मैं आपको एक चीज इसमें अभी भी जहाँ पे थोड़ा सा शक है वो क्या, कि अभी पाकिस्तानी टीम को ये तय करना है कि जो करंट प्रोग्राम चल रहा है 1 साल वाला, जो SBA, जो स्टैंड लोन अग्रीमेंट जो इन्होंने किया था, स्टैंड बाय अग्रीमेंट, SBA स्टैंड बाय अग्रीमेंट जो था, क्या जो स्टेट बैंक स्टैंड ये जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट है, इसकी आखिरी किस्त जो बची हुई है, क्या अभी पहले ये वो आखिरी किस्त लेना चाहेंगे या कि क्या वो तुरंत अगले प्रोग्राम की बात करना चाहेंगे और जो ये बची हुई किस्त है इसको उसके साथ में मिलाकर मर्ज करके और इकट्ठा लेना चाहेंगे ताकि एक साथ बड़ी रकम आए इनके पास। ये एक चीज है जो अभी पाकिस्तानी सरकार को तय करनी है। तय ये करना है कि पहले इस प्रोग्राम को खत्म करने दें। ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को ये जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है इसको खत्म होने दें और अगले प्रोग्राम को अलग से नेगोशिएट करें, इसको पहले खत्म हो जाने दें, ऐसा करना है, और दोनों की रकम को अलग अलग लें, या कि दोनों प्रोग्राम्स को एक साथ डिस्कस किया जाए और इसकी रकम को अगले आने वाली रकम के साथ मिलाकर एक साथ एक मुश्त बड़ी रकम ली जाए। ये एक फैसला है जो अभी पाकिस्तानी टीम को करना है। नाउ तो ये इशू है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बड़ा इशू है जो IMF ने इस प्रोग्राम के तहत कहा था कि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए करने चाहिए, वो है कुछ कंपनियों का, जो सरकारी कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन। उनमें से PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज जो है, एयरलाइंस जो है, वो बहुत बड़ा था उसको लेकर, बल्कि अभी अभी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पिछले 2 दिन में एक मीटिंग भी की है इसी इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर। प्राइवेटाइजेशन के लिए केयरटेकर गवर्नमेंट में जो मंत्रालय है इकोनॉमी का, उसमें एक सेपरेट रोल सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को देखने के लिए दिया गया था। जो नवाज शरीफ कैबिनेट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, फवाद हसन फवाद प्राइवेटाइजेशन को देख रहे थे और स्पेशली PIA के प्राइवेटाइजेशन को। जिस समय केयरटेकर गवर्नमेंट गई है उस समय पर यह कहा जा रहा था कि इस काम को 80% निपटा दिया गया है, यानी कि फवाद हसन फवाद ने PIA के प्राइवेटाइजेशन का 80% काम निपटा दिया है। लेकिन उसके बावजूद, अच्छा, इस मीटिंग में जो शहबाज शरीफ ने मीटिंग अभी ली है इसको लेकर, उसमें उनको ये बताया गया है कि जून के बाय ओवर मतलब बाय द टाइम जून खत्म होगा, जून के खत्म होते होते
ये PIA को प्राइवेटाइज कर देंगे। लेकिन सच ये है दोस्त कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने वाला। PIA जून तक प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, और उसके कारण हैं, उसके कारण बहुत सारे हैं। अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसे चलना चाहिए या चल रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि अभी PIA को प्राइवेटाइज होने में कम से कम 1 साल और लग जाएगा। 1 साल और होने के माने, और वो भी अगर ये माने माना जाए कि बहुत ज्यादा अंधाधुंध तेज रफ्तार पे काम किया जाए, शहबाज शरीफ की तरह से, तो भी कम से कम 6 महीने जरूर लग जाएंगे। 6 महीने से पहले PIA के कोई 1% चांस नहीं है कि वो प्राइवेटाइज की जा सके। इसका भी कारण है कि ऐसा क्यों, ऐसा सोचने के पीछे क्या कारण है। इसके पीछे जो कारण है वो देखिए, PIA के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेंडर जो हैं, लेंडर जो जिन्होंने कर्जे दे रखे हैं इनको, तो PIA को जो कर्जा देने वाले हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो लगभग 35 हैं। 35 को अगर आप ये मानिए कि सबसे NOC लेनी है, सबसे पेपर वर्क होना है, तो वो अगर एक एक का आप 10 दिन भी लगा लीजिए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बात कितनी लंबी जाती है। तो जून तक नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। और इसके अलावा ये भी ना देखिए कि PIA जो राजनीतिक लोग हैं पाकिस्तान के, उनके लिए एक बहुत बढ़िया हंटिंग ग्राउंड रही है, उस किस्म से कि ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने जिन लोगों को फेवर करना होता था उनको वो PIA में भर्ती करते रहते थे। नतीजा ये कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट, और प्रोबेबली PIA की तबाही का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो वहां पर बजाय प्रोफेशनल लोगों को एंट्री दी जाए, वहां पे ऐसे लोगों को रखा गया है जो बेसिकली पाकिस्तान की एलीट के, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे जुड़े हुए हैं, या उनसे कहीं उनके उनसे जुड़े हुए तत्वों से जुड़े हुए हैं, अप्रोच लगाकर आए हैं, काम नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों की जब नौकरियां हाथ से जाने की बात आए प्राइवेटाइजेशन के चलते, तो जाहिर है फिर स्ट्राइक होंगी, वायलेंस होगा, हल्ला गुल्ला होगा, पॉलिटिकल धमकियां आएंगी, ये सब कुछ होगा। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय यूनियंस हैं वहां पर, एम्प्लॉयज देमसेल्व्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सबके सब अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि PIA को दरअसल प्राइवेटाइज करना कितना बड़ा काम होगा। केस इन पॉइंट, एक कंपनी थी इनकी जो कि PIA से बहुत छोटी थी, और उसका नाम था हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स को जब प्राइवेटाइज किया गया, तो उसको लहर है कि पहले बिडिंग हुई, बिडिंग के बाद में सेल एग्रीमेंट हुआ। तो सेल एग्रीमेंट जो हुआ दोस्तों, ये हुआ अप्रैल 2022 में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि PIA से डील करना कितना मुश्किल होगा, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि ये दरअसल हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स से अपने हुआ क्या। तो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स का बिडिंग करवाई गई, बिडिंग के बाद में सेल परचेज एग्रीमेंट जो हुआ वो कंप्लीट हुआ अप्रैल 2022 में। और उसके बाद में आप ये देखिए कि इस सेल परचेज एग्रीमेंट को, जो कि बिडिंग के बाद करवाया गया था, जैसे मैंने बताया आपको प्रोसेस है पूरा, उसके बाद में हैंड ओवर करने में 2024 आ गया। यानी कि अप्रैल 2022 में एग्रीमेंट हो चुका था सेल एग्रीमेंट, और अप्रैल और इधर अप्रैल इसमें 2024 की शुरुआत में आकर हैंड ओवर हो पाई है वो कंपनी। तो 2 साल लगभग लग गए वहां पे। तो ये तो एक बात। अब जैसे मैंने कहा, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये जो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स था, कंपनी थी ये हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, ये PIA के मुकाबले में बहुत छोटी कंपनी थी। अब PIA के केस में क्या है, PIA के केस में आप ये देखिए कि जो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं PIA की, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर है, US में है, एक आई थिंक वर्जिन आइलैंड में भी है, इधर फ्रांस में है, ये तमाम चीजें। तो इन सब की फॉर्मेलिटीज करते करते, ये डिफरेंट कंट्रीज में इनकी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, ये डेफिनेटली टाइम ले लेता है, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो वो जाहिर, जो एज आई सेड आइडियली रफली है ये, अगर वो नहीं, और मानो कि सब कुछ पाकिस्तान में ठीक हो जाए और सब कुछ अपनी पेस पे तेजी से काम करने लग जाए, सब लोग इसी की तरफ काम करने लग जाए प्राइवेटाइजेशन के, तो भी 6 महीने कहीं नहीं गए। IMF ने ऑलरेडी दोस्तों अपना इंडिकेशन दे दिया है कि वो विलिंग है, वो जो पाकिस्तान में सरकार बनेगी, बन रही है, जो भी सरकार बनेगी, उन्होंने किसी भी पार्टी की बने हमारी बला से, लेकिन जो भी पावर में होगा वो उससे बात भी करेंगे, उससे नेगोशिएट भी करेंगे, और वो उनको कर्जा भी देंगे। उनका ये भी कहना है
कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो करंट फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल आए। हालांकि मैं आपको बता दूं, किसी भी क्राइसिस से बाहर निकलना आईएमएफ का काम नहीं है, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये वो करते भी नहीं है। हर एक कंट्री को अपनी पॉलिसीज खुद बनानी पड़ती है, खुद ही वो काम करते हैं। वो तो सिर्फ आपको सिर्फ वो रास्ते बताते हैं आईएमएफ वाले, जिनसे आप अपने पैसे, जिससे वो अपने पैसे को सिक्योर कर पाए। टैक्स बढ़ा लीजिए ताकि उनके पैसे टाइम पे मिल जाए एंड ऑल दैट सच थिंग्स। अच्छा, तो इसके मायने ये हुए कि जो आईएमएफ है वो किसी भी किस्म का कोई रोड़ा नहीं डालेगी पाकिस्तान के रास्ते में। हालांकि हालांकि जो कंडीशंस होंगी लोन देने की, वो कंडीशंस डेफिनेटली बेहद कड़ी होंगी, बेहद कड़ी होंगी। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि जहां तक संभावना यही है कि आईएमएफ जिस चीज पे भी अटक जाएगा, पाकिस्तान उसको एज इट इज मान लेगा। हालांकि इसके अपने नुकसान भी हैं। देखिए, एक चीज समझिए, सर्वाइवल जो इस सरकार का होना है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, इसका सर्वाइवल जो है वो मान लीजिए कि अगले 3 महीने की जो इनकी कारकर्दगी होगी, अगले 3 महीने में जो कुछ करेंगे उस पर निर्भर करेगी। इनके सामने तीन काम है जो इस समय बड़े हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट इनसे करवाना चाहती है। वो है फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ के साथ में करंट प्रोग्राम को नेगोशिएट करना। दो, 12 अप्रैल इस प्रोग्राम की, मैंने बताया आपको लास्ट डेट है, तो अगला प्रोग्राम जो आईएमएफ का है उसको डिजाइन करना। ये भी एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तो कोई भी उससे काम नहीं हुआ है। अगला प्रोग्राम जो आईएमएफ का डिजाइन होना है वो होना है 3 साल के लिए। और ये बड़ा काम मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कतई आसान नहीं होगा। सो मच सो कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अब तो वो तय कर दिए गए ना, अब वो तय कर दिए गए हैं, उनका नाम है मोहम्मद औरंगजेब। जैसे कि मैंने बताया था, वो हबीब बैंक के सीईओ हैं। और ये भी एक बड़ा किस्सा है, आज शाम के व्लॉग में मैं जल्दी आज शाम को एक व्लॉग और करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हबीब बैंक का होना फायदेमंद है या नुकसानदायक है। अब वो उसमें बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी जो बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इस पर होल्ड बैक करके उसको अलग से बताऊंगा आपको कि एचबीएल यानी कि हबीब बैंक जो है उसका होने से इनको क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस माइनस क्या है, उसके फायदे नुकसान क्या है, उस पर हम अलग से बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या आने वाले हैं। लेकिन पहले ये बहुत मुश्किल काम होगा कि इनका जो अगले 3 साल का प्रोग्राम डिजाइन किया जाए। और उस डिजाइन में मुश्किल क्या आ रही है कि अगले जो, इनफैक्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब बनाए जा रहे हैं और इनकी जो भी टीम बनेगी, आप ये मान लीजिए कि आने वाले महीनों में उनको नींद नहीं आएगी, नींद का टाइम ही नहीं होगा। हर्डल क्या है? हर्डल ये है दोस्तों कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ की सारी कंडीशंस को एज इट इज नहीं मान सकती। ये भी सच है कि उनकी तमाम कंडीशंस को वो कंप्लीटली इग्नोर कर दे, ये भी नहीं हो सकता। यानी कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते और कंप्लीटली मान भी नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि देखिए ना, इसके नुकसान होंगे कि जब, अगर आप सारी की सारी कंडीशन मान लेते हैं तो जो बवाल उठेगा सोसाइटी में, और जो जो अपोजिशन पीटीआई जिस तरह से उसको यूज कर सकती है, वो इनके बस का झेलना है नहीं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भाई बैकफुट पे है उसको लेकर, कि हाउ टू गो अबाउट इमरान खान, एंड आई एम कमिंग टू दैट इमरान खान टॉपिक, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू डील विद दैट। तो अब आप ये देखें, समहाउ एक बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश हो रही है। बीच का रास्ता जो तलाश करने की कोशिश हो रही है, उसका मतलब ये है कि बहुत सारी नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी जो कि टफ होंगी, बहुत कंबरसम होंगी, थकाने वाली होंगी, और बहुत सारा समय भी उनमें लगेगा। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम की जरूरत है, मस्ट है उनके लिए इस प्रोग्राम को होना। लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास को क्रश करके रख दे, तोड़ कर रख दे, खत्म कर दे, वाइप आउट कर दे, बिल्कुल जड़ से जो मिडिल क्लास है उसको खत्म कर दे। ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान को सूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सोशल इम्पैक्ट है, सामाजिक उसके असरात होंगे जो कोई भी सरकार झेल नहीं पाएगी। ऑल दो आप ये देखें कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो अभी भी डिजाइन होना बाकी है, ग्रांट होना बाकी है, सब कुछ होना बाकी है, लेकिन ये चिंताएं हैं जो पाकिस्तान सरकार को फिलहाल खा रही हैं। मैं गृति जो पंजाब की कंडीशन है, जो सरकार की कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की, उसका एक बड़ा आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ये दिखाते हुए कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी एक मिनी बजट
अनाउंस कर रही है। मिनी बजट के लिए उनको कह दिया गया कि मिनी बजट बनाओ और वो बनाकर आप तुरंत पार्लियामेंट में उसको, जो पंजाब असेंबली है पाकिस्तान पंजाब की, उसमें पेश किया जाए। किसी को इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो मिनी बजट है वो नेशनल असेंबली में केंद्र सरकार भी प्लान कर रही है। क्यों? आप जरा गौर कीजिए कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो ओवरऑल तमाम तरक्याती काम जो होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार पैसे देती है, उन तमाम कामों के लिए फिलहाल पाकिस्तान सरकार ने मना कर दिया है कि कोई भी पब्लिक वेलफेयर का काम, पब्लिक डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों को रोका जाएगा। और ये नॉर्मल होता है, जहां पर इकोनॉमी गिर रही होती है पहली गाज आम आदमी पर ही गिरती है। तो वही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो जो इनका जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट थे वो भी रुकेंगे, यानी कि सड़कें बननी हैं, फ्लाईओवर बननी है। आप ये देखिए, यही वो चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ करते हैं और जिसके बेसिस पे वो वोट मांगते हैं। तो इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार अब ऑलरेडी मना कर रही है कि कोई भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट न लिए जाए। तो आप ये देखें कि ये वो सिलसिले हैं जो चल निकले हैं। टू रन पाकिस्तान, अगर उसको चलाना है तो स्टेटस को के बेसिस पर नहीं चलाया जा सकता, यानी कि जो फिलहाल स्टेटस को है पाकिस्तान में उसके बेसिस पर आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते, वो इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट जो है वो अब सीरियसली सोच क्या रही है, वो सोच रही है कि जो सामने चुनौती खड़ी है कि पेंशन फॉर एग्जाम्पल क्या करना है। पेंशन आगे से वो ये देख रहे हैं कि लोगों को पेंशन का चक्कर ही ना रखा जाए उनका, एक ग्रेच्युटी दो जान छुड़ाओ। तो पेंशन मेंशन देने के चक्कर में ये सरकार बड़ी हद तक पेंशन के हक में नहीं है। अच्छा, इस बीच में आप ये देखिए कि पैसों की कमी का अंदाजा कहाँ से होता है, कि जो एसईसी है इनका, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है इनका, वो उसके लिए जो जिसके अंडर के तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आते हैं एसईसी के अंडर, उसकी फंडिंग ही बंद हो गई। उसके पैसे देने, उसके पैसे जो जाने थे वो रोक लिए गए, फिलहाल गवर्नमेंट ने पैसे रोक लिए। तो अब आप ये अंदाजा लगाए कि पेंशन वाली स्कीम, मैंने बताया कि सरकार ऑलरेडी उस पर पुनर्विचार कर रही है कि जो पेंशन की दरें हैं उनको जिस फॉर्मूले के साथ तय किया जाता है उस फॉर्मूले को बदलने पर सरकार बहुत गंभीरता से गौर कर रही है। वो नहीं चाहते कि जितने पैसे उस फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं देने के लिए उतने सरकार दे, उसको कहीं कम किया जाए। तो बेसिकली जो डिसीजन है, जो जो आने वाले महीनों में लिया जाएगा, वो आप ये मान लीजिए कि न सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट रखेगा मित्रों, बल्कि आप ये देखिएगा कि वो उसका अपना एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट दोनों ही उसके होंगे। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है उसकी मैं बात अगर आपसे करूं, तो ये देखें आप कि कल रात को पाकिस्तान के जो एक लीडिंग कमेंटेटर माने जाते हैं, आजकल वो समा टीवी पर अपना अपनी कमेंट्री देते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स पे, उनका नाम है नजम सेठी। और कल रात नजम सेठी ने एक कमाल का वक्तव्य दिया है। उनका ये कहना है कि जो ये सरकार, अब चूंकि जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इनका ये कहना है कि उनको जो पाना था, जो करना था, वो उन्होंने कर लिया। अब आने वाले महीनों में, अब से 6 महीने में या 1 साल के अंदर, और आपको याद होगा मैंने आपको 1 साल का टाइम दिया हुआ है सरकार के लिए, मैंने बताया था कि 1 साल का, 1 साल में ये सरकार लुढ़क लेगी विद इन ईयर। तो और ये मैं अपनी तरफ से ऑन हायर साइड बोल रहा हूँ, मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत संभव है कि उससे पहले ही लुढ़क जाए, तो 1 साल भी ना लगे, क्योंकि जिस तरह चीजें खराब हैं तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल कैसे निकलेगा। लेकिन नजम सेठी की जो प्रोडिक्शन है वो मैं आपको बता दूं, नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि, और बहुत गलत नहीं कह रहे हैं, मैं ये भी बता दूं, नजम सेठी साहब यहाँ गलत नहीं कह रहे हैं। जो उनका सोचना है आज, मैं ये पिछले 15 दिन से 20 दिन से ऑलरेडी सोच रहा हूँ, जब से चुनाव हुआ, बल्कि कि दरअसल होने क्या जा रहा है और लॉजिकली ये लोग क्या करेंगे। तो नजम सेठी साहब की कमेंट्री, नजम सेठी साहब कहते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही IMF का एग्रीमेंट हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, इकोनॉमी ठीक चलेगी, कुछ जो कड़े फैसले होने हैं वो कड़े फैसले सरकार ले लेगी, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का है, चाहे वो फंडिंग का है IMF से, ऑल दैट। जैसे ही ये तमाम डिफिकल्ट वाले काम हो जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी मतलब क्या हुआ कि जैसे इमरान खान लुढ़क गए थे अगले दिन, वैसे ही ये लुढ़क जाएंगे और इनसे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ लाया ले आया जाएगा और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये सरकार गिर पड़ेगी मुंह के बल दराम से। और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो को इनकी जगह पर, शहबाज शरीफ की जगह पर
प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ऐसा मानना है नजम सेठी का। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ, मुझे उनकी इस राय में बहुत कुछ गलत नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि दरअसल यही आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि यही बात है, इसी बात से मैं जो डर रहा था, मैं इतने से कह रहा हूँ कि सरकार एक साल से ज्यादा नहीं बढ़ पाई आगे। और मेरा पूरा यकीन है कि दरअसल एक साल भी ज्यादा है, एक साल से पहले ही ये सरकार गिरी। क्योंकि अच्छा, इस बीच में एक और जो प्रेडिक्शन उन्होंने की है वो ये कि नवाज शरीफ, ये जो नवाज शरीफ का एक केस चला लाहौर वाली सीट पर, जहाँ पे डॉक्टर यासमीन उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, और वहां का फैसला अभी रिवोटिंग के लिए, रिकाउंटिंग के लिए तैयार है। उसके लिए रिकाउंटिंग होनी है, और माना यह जा रहा है कि रिकाउंटिंग में नवाज शरीफ साहब हारेंगे। इनफैक्ट वो ऑलरेडी हारे थे और उन्हें जिताया गया है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, नवाज शरीफ जब लंदन में थे, उस समय कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे थे, मुनीर फारूक साहब जो पहले डॉन में थे, आजकल शमा में है, और भी ऐसे कई सीनियर कमेंटेटर, जिन्होंने ये बात कई बार कही थी कि पंजाब में नवाज शरीफ के लिए हैरान एक सरप्राइज जो है वेट कर रहा है। अब वो आके अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको रियलिटी ग्राउंड की पता लगेगी कि कितनी खिलाफ पब्लिक हो चुकी है, खासकर यूथ कितनी खिलाफ हो चुकी है नवाज शरीफ के, और कैसी चीजें अब पीएमएलएन के पकड़ से बाहर जा चुकी हैं। दरअसल उनकी बात सही साबित हुई है, और आज हालत यह है कि डॉक्टर यासमीन राशिद ने, वो माना जाता है कि वो जीत रही हैं, यानी कि अगर रिकाउंट होता है इन तमाम वोट का तो वो मामला गया। नवाज शरीफ एक सीट पहले हार चुके हैं, दो जगह से इलेक्शन लड़े थे, और ये दूसरा इलेक्शन भी हारेंगे। दैट मीन्स कि अगर एक पार्टी का जो चीफ है, अगर वो अपनी सीट ही नहीं बचा सकता है, तो वो कोई पॉलिसी गाइडेंस कैसे देगा, किस राइट से देगा, ये इशू है। तो मित्रों, ये थी वो प्रेडिक्शन, जिस जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं आने वाले दिनों में, जो फैसले किए जाएंगे उनके, जो कि कल नजम सेठी ने अपने यहाँ बोला, और जिनके बारे में मैं अक्सर आपसे कहता रहा हूँ कि अनस्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान की है, वो कहीं नहीं जा रही है, वो इट इज देयर टू स्टे एंड स्टे फॉर गुड। ये बिना कुछ रिजल्ट पैदा किए हुए पाकिस्तान के अंदर ये अस्थिरता नहीं जाने वाली कहीं। तो मित्रों, ये था थोड़ा सा अपडेट अभी के लिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि शाम को इकोनॉमी पे हम एक और डिटेल प्रोग्राम करेंगे, जिसमें मैं आपको ये हबीब बैंक का जो किस्सा है, वो कुछ और बैंक है, मरीन बैंक वगैरह, इनके मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा, नंबर्स दूंगा, और ये कि कैसे ये जो है जिम्मेदार हैं उन तमाम चीज़ों के जो इस समय चल रही हैं, और ये भी कि जो कंपैरिजन है वो कितना गलत है इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमीज का, कि इंडिया ने 91 के बाद कैसे राइज किया और वो अब क्यों नहीं राइज कर पा रहे हैं पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं, और ये भी कि दरअसल जो इस सब के पीछे जो रियल खेल वो भी है कि जो अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं वो दरअसल कितने पॉलिटिकल अंदाज में की जा रही हैं, पॉलिटिकल वोट बैंक को ध्यान में रख के की जा रही हैं, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान कहाँ पहुंचा हुआ है। खैर मित्रों, फिलहाल के लिए आपसे विदा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ शाम की तरफ एक बार फिर से, रफली 8 बजे के करीब मैं आपसे मिलूंगा, और तब हम बात करेंगे इस बारे में और अधिक, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमी के ऊपर। बाय बाय फॉर नाउ एंड सी यू वेरी सून।